और आपको सिखा दिया कि कैसे हाथ धोना है। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी और उस वीडियो के ज़रिए आप देखेंगे कि हमको हाथ किस तरह अमली तौर पर धोना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम किस तरह हाथ धोएंगे। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। शगुफ्ता टीचर, ए से अंगूठा, शगुफ्ता टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो वीडियो में आवाज है मैडम, वीडियो है ओके। सर, आवाज नहीं आ रही है क्या वीडियो की? सर, नहीं आ रही, लेकिन बहुत हल्की आ रही है आवाज। वो वीडियो में ही आवाज कम है हाँ सर। हाँ वही, मैं वही बोला कि वीडियो में आवाज ऐसी है। हाँ, रिकॉर्डिंग फिर किसी ने स्टॉप कर देखते दिया था। तो देखते हैं किस तरह से हाथ धोते हैं, हम प्रैक्टिकली करके आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हैंड वॉश या अपने हाथ में साबुन लेंगे। तो सबसे पहले वर्ड हमारा क्या था? एस, तो सीधा। एस से सीधा। यू, यू से उल्टा। बच्चों, उम्दा। हाथ धोने का अमली तरीका भी देख लिए कि हाथ किस तरह धोना है ना? सुमन आपको समझ में आ गया होगा अब कि सुमन क्या है। ठीक है बच्चों, तो आपको आप रोजाना ऐसे ही हाथ धोना है। कब कब हाथ धोना है टीचर ने आपको बता दिया है, तो इंशाल्लाह हम इस पर जरूर अमल करेंगे। जजाकअल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाल्लाह। आज के दिन को हम क्यों मनाते हैं और किस नाम से मनाते हैं, ये तो हमने देखा और सुना। इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने में तुलबा ने भी हिस्सा लिया है। बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी कुव्वत तखय्युल का इस्तेमाल करके कुछ तस्वीर बनाई हैं, तो चलें एक नजर उन तस्वीर पर भी डालें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सब जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी सर, जावेद सर। बच्चों ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई है, वो जरा डिस्प्ले में बताएं ताकि सबकी ड्राइंग हम एक साथ देख सकें। इसलिए मैंने गैलरी व्यू किया है। अपनी सर, अपनी सर, ड्राइंग स्क्रीन के सामने लेकर आए। सर, मेरी क्लास की जी, जिन बच्चों ने लेके आए वैसे स्क्रीन के सामने लेकर आए, ऐसे स्क्रीन के सामने लेके आके बताएं ताकि सब लोग आपकी ड्राइंग देख सकें। सर, फरहत टीचर कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ बोलिए फरहत टीचर। बोलिए फरहत मिस। सर, मेरी क्लास की बड़ी है, कुछ कहना चाहती है वो। जी, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने बच्चे तो दिखा रहे हैं ड्राइंग अपनी अपनी। हाँ, जो बच्ची बोलना अच्छा चाहती है उसको भी बोलिए, उसका नाम लीजिए।
अच्छा मैं सुजरा कॉल कर देती हूँ, है वो, उसका नाम अलीना शमशेर आलम है, बुलाइए ना सर, अलीना शमशेर आलम। अलीना शमशेर आलम बेटा अगर तुम हो तो अपना स्टार्ट कर सकते हो। अलीना सर वेट आई एम कॉलिंग हर। हाँ वो लेकिन आप कर दीजिए ना उसको अनम्यूट, मैं तो ढूंढ रहा हूँ उसको। अलीना है ना नाम, अलीना। सर मैं कर रही हूँ अनम्यूट लेकिन वो अनम्यूट हो नहीं रही है। अलीना अश्वाक शेख है क्या नाम? अलीना यहाँ पे सिर्फ एक अलीना लिखा हुआ है सर ना, शमशेर आलम। अच्छा डिस्प्ले पे क्या नाम डाला है इसका? सिर्फ अलीना लिखा हुआ है, अलीना। हाँ सर सिर्फ अलीना ही लिखा हुआ है। एक अलीना, दो अलीना इसमें। अलीना अश्वाक अपने आपको अनम्यूट नहीं कर रही है बच्ची वो। जावेद सर हेलो। जी सर जी हेलो। मोस्ट वेलकम सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है कि सर को मैंने रात में मैसेज डाला और सर ने फौरन जो है उसको दावत को कबूल किए और बराबर वक्त पर अपने आगे प्रोग्राम देखने के लिए, और आपके आने से हम लोग को बहुत हिम्मत मिल गई। जी सर बोलिए। ठीक है सर, मेरे को दूसरी मीटिंग में भी जाना है तो मैं बच्चों के लिए। हाँ सर आप बोलिए सर। मीटिंग चल रही है। हाँ प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम अपने यहाँ पर हो रहा है और टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से अरेंज किया है माशाल्लाह। हमारे टीचर बहुत ही मेहनत दिल से लगन से चाहत से काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों आपको पता है कि आज 15 अक्टूबर इस तरह स्वच्छता दिन के जागतिक दिवस ग्लोबल डे मनाया जाता है और हमारे माशाल्लाह सुवर्णा मैडम ने भी कितने अच्छे तरीके से एक पोएम के जरिए एक नज़्म के ज़रिए आपको बताया है। हालांकि हमको ये चीज़ बचपन से सिखाई जाती है बट एक रिमाइंड एक रिफ्रेश के तौर पर हमको बताया जाता है 15 अक्टूबर को किस तरह से हमको करना चाहिए। तो आप लोगों को सभी को पता है कि जो बीमारियों की जड़ होती है, बीमारियां शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है आपको सबको पता है, बीमारियां जो हमारे पेट से शुरू होती है ना। अगर हमारा पेट साफ रहेगा तो हमको बीमारियां कभी नहीं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि पेट में बीमारी जाती कैसे है, है ना। आप लोगों को बच्चों सबसे पहले जो हमारे पेट में कीटाणु जरासीम जो भी जाते हैं वो हाथों के जरिए जाते हैं और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा खेलते हैं कूदते हैं, उनको कुछ कीटाणु का जरासीम क्या है, हमारे जम्स कैसे होते हैं ये सब पता नहीं, दिखाई तो नहीं देते हो ना बड़े बच्चों को, बड़े को दिखाई देते हैं ना छोटे बच्चों को। तो उसके लिए बेटे बच्चों आप लोग एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप बाहर जाए खेले कूदे पढ़ाई करें कोई भी काम करने के बाद जब आप खाने की कोई चीज़ खाते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर हाथ धोएं, और उसकी स्टेप होती है जो कि टीचर ने माशाल्लाह वीडियो के जरिए आपको सुमन के इतना बेहतरीन बताया है ना। और इससे पहले टीचर ने भी एक बहुत अच्छा बताया है स्वर्णा मैडम से पहले। सर टीचर्स का नाम क्या था? फरहत टीचर। फरहत टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया उन्होंने, और वीडियो जो है शबनम टीचर ने बनाई थी और उसको प्ले जो किया था वो अंसारी शगुफ्ता टीचर ने। ओके ओके नहीं स्वर्णा मैडम से पहले, स्वर्णा मैडम से पहले फरहत टीचर ने बताया था वीडियो, पीपीटी फरहत टीचर ने बनाई थी, पीपीटी। हां माशाल्लाह अच्छा बनाया था उन्होंने भी, बहुत अच्छे अंदाज में पेश भी किया। तो बच्चों आपको पता है ना जो बीमारी हमारी शुरू पेट से होती है तो हमको हाथ वो पेट में जो बीमारी आ जाती है हमारे हाथों के जरिए जाती है, तो आप लोग इस बात का ख्याल रखे, हाथ आप लोग अच्छी तरह से धोए। और हाथ धोने की एक स्टेप होती है जैसा कि टीचर आपको वीडियो के बार बार बताए जा रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ आप ही ना देखें अपने घर वालों को, सभी अपने छोटे बहन भाई है मम्मी पापा है सभी को बताएं आप कि हाथ किस तरह से धोए जा सकते हैं और हमारे हाथों में जो जम्स होते हैं कीटाणु होते हैं वो इस स्टेप के बिना पर अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो बच्चों आप लोग इस बात का अमल करेंगे और जो भी हमारे टीचर्स हमारे सीओनो माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट होइए और जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं इसमें अमल करवाओ। ठीक है शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब।
हमारे बीओ सर ने अपने मुफीद कलमात से नवाजा है हमें, और हम सब ने इत्मीनान और सुकून के साथ इनकी बातें समाप्त फरमाई है, इन पर अमल करने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर आपके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, फलक पर जब चमकता है हमारे अज्म का सूरज, फलक पर जब चमकता है हमारे अज्म का सूरज, अंधेरे खुद बखुद तारीकियों में डूब जाते हैं। शुक्रिया, ये सर आपका सभी के लिए, हमारे जो माइक्रो ऑब्जर्वर है सीओ ने उन्हीं के लिए जाता है सब, क्योंकि मेहनत वो ज्यादा कर रहे हैं। जी सर, जी सर, जेरे निगरानी आपके अंडर ऑब्जर्वेशन, आपकी जेरे निगरानी माशाल्लाह से सभी अपना काम अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, इसका क्रेडिट आपको भी जाता है सर कि आपने बहुत ही मुशफ़काना तरीके से हम लोगों को हैंडल किया है। कोई भी काम जबरन आपने लादा नहीं है, विश पर दिया है कि अपनी ख्वाहिश से कीजिए, तो माशाल्लाह से अपनी ख्वाहिश पर सारी टीचरों ने लब्बैक कहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, आप कंटिन्यू करिए। जी सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जावेद सर कुछ कहना चाहेंगे आप? वो अभी वो बच्ची बोलने वाली ना, अलीना। नहीं, एक बार से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर को तो मैंने कहा ना कि सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सर को मैंने सिर्फ एक मैसेज दिया और सर जो है वो रेडी हो गया आने के लिए, जिसकी वजह से जो है हमारा प्रोग्राम और बेहतरीन तरीके से हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये प्रोग्राम हमेशा हमको याद रहेगा कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे सरप्रस्त, हमारे रहनुमा जो है हमारे साथ में थे, और ये हमारे हौसला अफजाई की बात है जी, के जी। सर के पास वक्त नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना वक्त हमारे लिए निकाला और बच्चों से खिताब भी किए, तो ये बच्चे भी जो हमेशा सर को, सर की बातों को याद रखेंगे। और बहुत ही काम की बात उन्होंने बताई कि हमको जो है जो बीमारी हमारे पेट से शुरू होती है, और पेट में शुरू होती है सारी चीजें पेट के दर्द से और वगैरह वगैरह से शुरू होती है, लेकिन उसकी वजह जो है, उसकी जो जड़ है वो हमारे हाथ है, उसी के जरिए जो जरासीम हमारे पेट में आते हैं। ये बहुत ही जो है काम की बात है, जिसपे हम लोग गौर नहीं करते। मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो गया कि हमारे पेट में जो बीमारियां होती है उसकी खास वजह हमारे हाथों की सफाई से मुतालिक है। तो अभी मेरे ख्याल में बच्चे जो है अच्छी तरह समझ गए, वो अभी अपने हाथ को बिल्कुल जो साफ रखेंगे और सर की बात को हमेशा याद रखेंगे। जजाकल्ला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। अभी हम लोग प्रोग्राम को सर की इजाज़त से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये जो पीपीटी है ना, ये अभी एक पीपीटी का जो कंपटीशन है, आज जितनी पीपीटी पेश होंगी जितने ग्रुप में, इसको जो कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा, तो उसमें हम चाहते हैं कि फॉर टीचर की पीपीटी है उस कंपटीशन में जाए, तो हम वो आरिफा मैडम को जो है ये पीपीटी भेजने वाले हैं। उसके अंदर मैंने अभी मेरे पीछे आपको एक पोस्टर नजर आ रहा होगा, मैंने इसे 4-5 पोस्टर बनाए हैं, तो उस पीपीटी में आप शामिल कर लीजिए। मुझे तकरीबन वो पोस्टर बनाने में रात में जो है 2-3 बज गया था, क्योंकि हर बार बनाता हूँ और वो क्या होता है कि कंप्यूटर हैंग हो जा रहा था, तो कम से कम मैंने 8-10 बार बनाया, तब जाके ये फाइनल हुआ। तो इसको आप इसको शामिल कर लीजिए। इसमें मेरी सहेली का भी हाथ है सर, हम लोग थक जाते हैं ना तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जी जी, तो शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे पता नहीं था कि आप जो है ये भी बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, क्योंकि रात में मीटिंग में टीचर ने कहा था कि पीपीटी भी चाहिए हमको। चलिए अलीना जो है उसको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, तो वो अनम्यूट हो चुकी है, तो हम लोग प्रोग्राम को आगे। जी जी, चलो माशाल्लाह अलीना आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अलीना, उसको मैंने अनम्यूट किया है, वो फिर अपने आप को म्यूट कर ली। वो उसको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो वापस म्यूट कर दे रही अपने आप को। सर टीचर्स खुद कंफ्यूज होते हैं, ये तो बच्चे हैं माशाल्लाह से, लेकिन यकीन नहीं था कि ऑनलाइन को ये लोग इतना कामयाब बनाएंगे। बच्चों ने बहुत साथ दिया है सर, हम टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन बच्चे बाकायदा हाथ उठाते हैं, चैट करते हैं और बहुत अच्छे से कॉपरेट करते हैं सर। ये भी सारे टेक्नो बन गए ना? टेक्नो बन गए हैं सर, बहुत अच्छे। मुझे याद है कि आप हमेशा कहा करते थे कि सब टेक्निकल ये टूल्स इस्तेमाल करें अपने पढ़ाई पर, अपनी दरसो तदरीस में, तो हम लोग उस चीज को सुनी अनसुनी कर देते थे, माफ करना सर, लेकिन अब
आज उसकी अहमियत मालूम हो रही है कि सर हमको उस रोज उस वक्त बताते थे कि आप लोग भी पीपीटी बनाइए, आप लोग भी वीडियोस बनाइए, तो उसका अगर उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की होती तो शायद आज से और अच्छा करने की कोशिश की होती हमने। जी जी। तो अलीना आप आएंगी बेटा? फरद मिस आप जो है उसको आप ही कीजिए अनम्यूट। वो दिखाई नहीं दे रही है मुझे तो। सर अनम्यूट हो गई है वो। हाँ लेकिन वापस म्यूट तो बोले बेटा अलीना आ जाए अब। बाकी हमारे बहुत सारे बच्चे हाथ उठाए गए जो वेट में है कि हम लोग भी कुछ बोले। हाँ तो किसी एक को मौका दे दीजिए सर जब अलीना अगर नहीं है। आप फरद मिस आप उसको अनम्यूट कर दीजिए। अलीना दो नाम से वो बोल रही है। अलीना शमशेर आलम वो अलीना लिखी है बात भी हो रही है मेरे से। जी जी वो बोल रही नहीं हुआ है अनम्यूट। क्या पता क्या प्रॉब्लम हो रही है सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए। आप कर दीजिए ना टीचर आपको होस्ट है आप कर दीजिए। दिखाई दे रही है मुझे दिखाई सर उसको अनम्यूट कर रहे हैं बार बार म्यूट हो जा रही है। हाँ वो हाँ। शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अलीना शमशेर आलम है। मौजूद सामईन मोहतरम इसातिज़ा और मेरे प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना के माहौल में जी रहे हैं जो कि एक जरासीम है जो हवा के जरिए फैलता है। माहिरीन के मुताबिक इससे बचने का एक मौसर जरिया हाथों को बार बार धोना है, नेज अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है। अब इसे हम कुदरत का इंतजाम कहे या जो कुछ भी, मजहब इस्लाम ने इन बातों के बारे में आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। कुरान की मुख्तलिफ आयतों में पाकी और सफाई को बताया गया है। आपको एक बात बताती चलूं कि मजहब इस्लाम में हर नमाज से पहले वुजू यानी हाथ पैर धोने को जरूरी करार दिया गया है। इस्लाम की तालीमात में तो पाकी आधा ईमान के बराबर दिया गया है। क्योंकि हम ग्लोबल है डे के मौके पर बात कर रहे हैं तो आप तहत करें हाथों को बार बार धोएंगे और इस बीमारी से मिलकर लड़ेंगे और इसे जरूर दूर भगाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खूब माशाल्लाह। बुतो शाबाश हो तुम पर तरक्की हो तो ऐसी हो। बुतो शाबाश हो तुम पर तरक्की हो तो ऐसी हो। न तरशे थे तो पत्थर थे जो तरशे तो खुदा बन गए। माशाल्लाह बेटा बहुत खूब बहुत अच्छे से आपने बताया है। आपने इतने अच्छे से बगैर डरे सबके सामने आपने कहा है। आपके लिए मैं चाहती हूँ कि सारे इस बच्ची के लिए तालियां बजाएं और जिन्होंने ड्राइंग दिखाई थी उन सब बच्चों के लिए भी सब तालियां बजाएंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए। जी मिस मैं पढूं? आप बोलना चाहेंगी बेटा आपका नाम? रूबा। रूबा रूबा ठीक है जी रूबा आप कहें। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। Speak 5 lines to yourself every morning. First, I am the best. Second, I can't do it. Third, God is always with me. Fourth, I am a winner. Fifth, today is my day. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah, बहुत खूब। शायरी भी पढ़ना है। Oh, very good, बेटा, सुनाइए। English में। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इंग्लिश में शेर और शायरी की है। बहुत अच्छा बेटा सुनाओ। The country does deserve anything less than success from us. Let us aim for success. Thank you. Let us aim at success. Very good. Success के लिए हम success ही हमारा aim होना चाहिए। माशाल्लाह से बच्ची ने बहुत अच्छे से कहा है और इंग्लिश में कहा है तो अब हम ये समझ ले कि हम भी उर्दू मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश में पीछे नहीं है। माशाल्लाह से ये भी इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मैं इस बच्ची के लिए तालियां बजाना चाहूंगी बेटा आप बहुत अच्छे से कहा है आपने बहुत खूब वेरी गुड बेटा। सामईन और नाजरीन जरा जायजा ले आज तालीमी लिहाज से हम कितने पसमानदा है। हमारा शुमार आज इस मुल्क की जाहिल तरीन कौमों में हो रहा है। इस कॉल से निजात दिलाने के लिए हमें हम सबको वादा करना है कि हम यौम तारगीब मुताला सिर्फ आज ही के दिन ना करें बल्कि हम हर रोज अपने आप को मुताले में हमारा जो दिन है वो मुताले से शुरू करें
और बहुत सी मालूमात हासिल करें और अपने बच्चों को भी उस चीज को बच्चों में भी वो दें और जो तालीम के जेवर से आरास्ता करें, जिस तरह दुल्हन को हम जेवर पहना कर खूबसूरत बनाते हैं, उसी तरह से तमाम वालदेन और तमाम पेरेंट्स और तमाम टीचर्स अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। वेरी गुड। सामईन, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी खूबसूरत लकड़ी की इमारतें तैयार हो जाती हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इमारत के लिए कितने दरख्तों को शहीद कर दिया गया है। बच्चा फौरन सवालों के जवाब दे देता है, अपने सबक को याद कर लेता है, वो नज्म व ज़वाबित और अच्छी आदत का पेकर बन गया है, मगर ये कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे असातिज़ा का मौलिमात की कितनी कुर्बानियां इसार और मेहनत शिदा हैं। तो मैं उन सारे टीचर्स के लिए कहूंगी कि वो अपनी अंथक मेहनत से बच्चों को यहाँ तक पहुंचाते हैं। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाता है। तो मैं सारे में हमारे टीम से गुजारिश, मेरी टीम से शुक्रिया करती हूँ कि वो लोगों ने मतलब इतना अच्छे से काम किया है, और इंशाल्लाह जब तक ये चलते रहेगा हम अपनी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे बीच हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, जिनका नाम खालिद सर है, वो हमेशा पर्दे के पीछे ही होते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड के जीनत मैडम को बोले ना सदारत जीनत। हाँ जी, उसके बाद फिर खालिद सर शुक्रिया अदा करेंगे। ओ जी, ओ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है सर, खालिद सर से बोलने दिया जाए पहले। नहीं नहीं, ठीक है, अदा करेंगे। हाँ जी, वो रस्म शुक्रिया अदा। हाँ हाँ जी, सॉरी सॉरी। आज का जो प्रोग्राम, ये छोटा सा प्रोग्राम मुनक्की किया गया था जीनत मैडम की सदारत में। जीनत मैडम किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। जी जीनत मैडम, आप आए और आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आपकी कीमती बातों से हमें नवाजेंगे। जी जिन्नत मैडम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत 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 शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और मैं आपके दरमियान एज अ सदर नहीं हूँ, मैं आप ही की साथी हूँ, और बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार और खुलूस के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज के जो दो प्रोग्राम्स को मर्ज करके आज का 15 अक्टूबर का दिन जो हम मना रहे हैं, और यौमे तरगीब मुताला और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, चूंकि मैंने काफी देर से अटेंड किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन पीपीटीज और तकारीर और बच्चों की ड्राइंग तमाम ने बहुत ही आज के दिन को, आज के दिन की अहमियत को बढ़ा दिया है, और इकबाल सर ने शिरकत की, आरिफा बाजी ने शिरकत की, हमारे दरमियान सीआर की टीम ने, स्वर्णा मैडम और रेणुका मैडम ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया, और खालिद जो हमारे दरमियान एज ए माइक्रो ऑब्जर्वर की हैसियत से इस टीम में कई दिनों से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो आपके फोर्थ स्टैंडर्ड के CNO जावेद मकसूद सर और फोर्थ की बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स, तमाम टीचर्स, और सबसे मौजिज हमारे वालदेन और प्यारे बच्चों। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कौल है, अगर किसी मुल्क को बदनवानी से पाक और खूबसूरत जहन रखने वाले लोगों का मुल्क बनाना है, तो मुझे पुख्ता यकीन है कि माशरे के तीन बड़े अफराद ये काम कर सकते हैं। और आपको पता है ये तीन अफराद कौन है? जी हाँ, जो आज सुबह से आपके साथ हैं और रोजाना आपके साथ रहते हैं, आपके वालिद, आपकी वालदा, और आखिर में हम आते हैं हमारे बहुत ही मौजूद उस्ताद के लिए, कि ये तीन अफराद मिलकर इस माशरे को बहुत ही खूबसूरत जहन रखने वाले लोग मुहैया कर रहे हैं। और मैं आप तमाम के लिए बहुत ही दुआगो हूँ कि बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दिया है, और मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, लेकिन डेली ऑब्जर्वेशन हमारा हमारे टीचर्स के साथ रहा है, जिसमें मैं आपको शेयर करूंगी कि जो 55 और 56 इयर्स के टीचर्स हैं, जिन्होंने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था,
लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिलते ही उन्होंने जूम पर अपने लेसन्स, गूगल मीट पर अपने लेसन्स लेकर ये बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। और यंग जनरेशन तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और फोर्थ के भी काफी लेसन मैंने देखे हैं स्टेट लेवल के। और मैं ये कहूंगी कि इकबाल सर की निगरानी में, आरिफ अबा जी की निगरानी में काफी अपने जौहर दिखाने का हमें मौका मिला है। और इसी तरह से सीएनओज और माइक्रो ऑब्जर्वर की टीम बनाकर भी इसको और खूबसूरत बना दिया है। आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए बहुत 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 मुबारकबाद। और मुझे एक चीज की मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी, यहाँ जिन्होंने सदारत की है शायद मोहतरमा शमीम साहिबा हैं, सॉरी एंकरिंग जिन्होंने की आज की, जरीना टीचर, फरहत, शबनम और शगुफ्ता, आई थिंक सबके नाम मैंने ले लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रहा, आपने बच्चों को तकरीर के लिए तैयार किया, बहुत कॉन्फिडेंट थे बच्चे, और बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम पेश किया आपने, और मुझे मधु किया, और इतना बड़ा सदारत का वो दे दिया मुझे, बहुत 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 शुक्रिया। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोग खूब कामयाबी हासिल करें, खूब तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, जजाकल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने सदारत की। और अब मैं हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर खालिद सर जो फोर्थ स्टैंडर्ड के हैं, आज हमें उन्हें सुनने का मौका मिला है, मैं चाहूंगी कि रस्म शुक्रिया अदा करके प्रोग्राम का इख्तिताम करें। मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। खालिद सर, जी खालिद सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर, जी सर, आवाज नहीं आ रही है सर। रास्ते में हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, हाँ जी जी सर, अभी आ रही है, कहिए। एक्चुअल में मैं रास्ते में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी। खैर थोड़ी छोटी सी बात मैं कर कह देता हूँ, रास्ते में साइड में आपने मुझे शुक्रिया अदा किया। तमाम सर बाइक पे है तो शायद इसीलिए आवाज जो है वो कम ज्यादा हो रही है। हाँ जी जी सर, सर बाइक एक जगह लगा दीजिए, आप वो रिस्क मत लीजिए। आ रही है आवाज? हाँ जी जी सर, आ रही है जी। तमाम असातिज़ा जो हमारे स्टेट लेवल पे पढ़ा रहे हैं, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से पीपीटी वगैरह बनाए और रोजाना अपने शौक से मतलब ये लेसन ले रहे हैं। और तमाम बच्चे जो पढ़ रहे हैं लेसन, मतलब सुबह सुबह उठकर 8 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, उन तमाम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आज का, अब्दुल कलाम के ऊपर आज वाचना प्रेरणा दिवस भी है। और मैं तमाम असातिज़ा के लिए शेयर कहना चाहता हूँ, मैं मौलिम हूँ कि तदरीस है सेवा मेरा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, मैं मौलिम हूँ कि तदरीस है सेवा मेरा, ना मस्जिद को मैं तहजीब की जो देता हूँ, मेरी हस्ती है जिया खल्क मुरव्वत का चराग, मैं जमाने को नए अज़्म की जो देता हूँ। तो तमाम असातिज़ा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से प्रोग्राम को पेश किया, और जो इतने महीनों से स्टेट लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तमाम बच्चों का शुक्र अदा करता हूँ, तमाम बीओज का और हमारे सीएनओ का, जावेद सर का, हमारे बीओज और जावेद मकसूद सर के लिए एक शेर है कि
कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। माशाल्लाह तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जीनत मैम की इजाजत से जो है प्रोग्राम का इख्तिताम, सर बोल रहे थे कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे सर। अच्छा, तो अभी प्रोग्राम का क्या आगे, जीनत मैडम की इजाजत से जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम। जी जी सर जी, वन सेकंड, थैंक यू वेरी मच और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। ये प्रोग्राम जो है तमाम असातिज़ा ने खुद से अपनी जिम्मेदारी ली, मैंने किसी को जिम्मेदारी नहीं ली, सबने अपने नाम खुद पेश किए और सबने जो है इसको कामयाब बनाया, वरना इतना अच्छा प्रोग्राम करना नामुमकिन था। क्योंकि ये जो है 8 बजे कुछ मीटिंग हुई और अच्छा। 30 मिनट के वक्फे में जो है ये प्रोग्राम पूरा तरतीब दिया गया और अलहमदुल्ला सबने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और फिर उसके बाद फिर आप भी ज्वाइन हो गए, खालिद सर भी जो है वो भी ज्वाइन हो गए और फिर इकबाल सर ने भी हाँ कहा, फिर आरिफा बाजी को मैंने कहा कि कम से कम 124-125 बच्चे यहाँ मौजूद है और बहुत अच्छी से चल रहा है, तो फिर वो भी जो है दोनों को एनजीओ के साथ में वो भी शरीक हो गई, बोले कि मैं फिर आके देखूंगी जायद कैसा प्रोग्राम। माशाल्लाह वाकई अच्छा। हाँ सब लोग, मैं मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन सब लोगों ने इतना अच्छा साथ दिया ना, इतना अच्छा सपोर्ट किया, पता नहीं आज अल्लाह ताला कितना ज्यादा मेहरबान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोग्राम अच्छा रहा। और बच्चों ने भी जो पेश किया, कुछ बच्चों ने फौरन ऑन द स्पॉट पेश किया प्रोग्राम। अच्छा, तो वाकई में जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम अगर ऐसे ही हम लोग सब मिलकर करेंगे, सब अपने अपने नाम पेश करेंगे, अपने आप से करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे और आने वाले प्रोग्राम हमारे इसी तरह से अच्छे से होते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, बहुत सारी दुआएं सर। जी जी, मैं तमाम एक्सपर्ट टीचर्स और खालिद सर और निजामत करने वाले शमीम टीचर और तमाम जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए और जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया और देखा भी, और तमाम वालदैन और तमाम तलबा का जो है तहे दिल से शुक्रिया। तो अभी शमीम मैडम आप जो है प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करें। जी सर, कुछ बच्चे जी सर। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें। जीनत मिस जज़ाकल्लाहु खैर, शमीम मिस आपने भी बहुत अच्छा बोले सर। मैं कुछ कहना चाहूंगी, कल बहुत शॉर्ट नोटिस में जावेद सर ने हम लोगों को 7:30 बजे कुछ मैसेज दिया था, 8:30 हाँ नहीं 7:30 बजे मैसेज था सर का कि 8:30 बजे में मीटिंग लूंगा। तो उस मीटिंग में माशाल्लाह से हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स शामिल थे और सर ने सिर्फ कहा था कि कौन कौन क्या करना चाहता है, तो माशाल्लाह से हमारी सारी टीचरों ने बताया कि टीचर हम ये करेंगे हम ये करेंगे। मैं खामोशी से बैठी थी अपने माइक को बंद करके आज सारा दिन माइक आपने संभाला माशाल्लाह परफेक्ट। मैं खामोशी से अपना माइक बंद करके सोच रही थी कि सर मेरा नाम ना लें, तो सर ने कहा कि अब तो हो गया, सब कुछ हो गया, अब निजामत कौन करेगा। खामोशी छाई थी तो सर ने कहा कि शमीम टीचर आप क्या कहते हैं, तो मैंने कहा सर, मैंने अपने आप को अनम्यूट किया और कहा सर मैंने कभी निजामत की नहीं है, बोलना नहीं आता मैं नहीं बोल पाऊंगी सर। सर ने कहा कि आपको मौका मिला है, इंशाल्लाह टीचर आप कोशिश कीजिए आप बोलोगे। तो सर ने जरा हौसला की हिम्मत दी, उर्दू प्राइमरी स्कूल। आप मुझे जानती हैं, वैसे अगर आप देखोगी मुझे तो आप जानती हैं, हमने बहुत मर्तबा बातें भी की है। हाँ हाँ हाँ, याद आया नहीं, याद आ गया मुझे जी। तो जावेद सर अपने अपने एडेड के अगले प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह जब फिजिकली हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो निजामत के लिए हमारी लिस्ट में शमीम का भी नाम आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड कांग्रेचुलेशन। नहीं कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आज जावेद सर ने दिया आपको अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। जी सर जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं जावेद सर का के लिए बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद सर की, कि जावेद सर ने मुझे ये मौका दिया, वरना मैं तो खुद से अपना नाम ना बताती लेकिन जावेद सर ने खुद ही मेरा नाम सजेस्ट कर दिया।
और मैं आप लोगों से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज आप मुझे माफ करें, आपका साथी समझ के हम सब यहाँ सीखने आए हैं। इंशाल्लाह जो गलती हो हुई है तो वो आइंदा में उसको ना करूँ, ऐसी कोशिश करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो अच्छा शमीम, शमीम मुझे पता है जरीना किस स्कूल से है? जरीना गुलाम, हाँ जो अभी इन्होंने लेवल लिया था ना शायद एक्सप्लेनेशन, वो जावेद सर को पता होगा। अच्छा मदनी, मदनी राइट, और फरहत भी शायद मदनी से है, मदनी, वेरी गुड वेरी गुड, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया सबने, कीप इट अप कीप इट अप। वालेकुम सलाम। बचपन से बहुत पसंद है, खुश किस्मत है जो आप है, आपके सामने मैंने बोला, बहुत खुशकिस्मत है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे आप तो मतलब रोल मॉडल है हमारे लिए। आप तो मिस, मैं तो आपको बहुत पहले से जानती हूँ, जब आप टीचर थी उस वक्त मैं आपको जानती हूँ। खदीजा मैडम की झलक आप में मैं देखती हूँ, मुझे बहुत याद आती है खदीजा मैडम, जब मैं आपको देखती हूँ माशाल्लाह से हर एक चीज मुझे आपकी नजर आती है, उनकी नजर आती है मुझे, बहुत अच्छे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का खुलूस और आप लोगों की मोहब्बत के लिए। मिस खुद की फितरत भी कुछ होती है, आप जो जिस आपके अंदर जो प्यार मोहब्बत और शफकत भरी है ना, बात करते हैं तो जैसे रस टपकता है माशाल्लाह से। अरे अरे माशाल्लाह मिस, लेकिन बस सच मुझे आज पहली बार बोलने का मौका मिला है तो मैं आपके लिए बहुत बेहतर ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं हम यहाँ पर जी, और कुछ गलती वगैरह हो गई हो किसी की भी। हाँ जी सर, क्या बोलिए? मैं बोला कि अपने यहाँ एक से एक नगीने हैं, वो जो आज नजर, माशाल्लाह बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू मैडम, थैंक यू मिस, थैंक यू खालिद सर, आप आए और आपने अपने कीमती अपने अल्फाज का कीमती तोहफा हम लोगों को दिया माशाल्लाह से। इंशाल्लाह हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और मैं सारे बच्चों से और जावेद सर और हमारे पूरे ग्रुप से गुजारिश करी हूँ कि अब इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं, और जजाकल्लाह सबका, आपने बहुत खामोशी से और बहुत प्यार से इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचाया माशाल्लाह से, अल्लाह सबको जजाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।